नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी वेज सोया कीमा। ये मार्केट में तो बेहद फेमस है, लेकिन इसे हम घर में बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सोयाबीन बढ़िया लेंगे, तो मैंने यहाँ 1 कप सोयाबीन लिया है। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप चाहें तो बड़ियों को उबाल भी सकते हैं, पर मैं इसे इसी तरह पानी में भिगोकर बनाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया अच्छे से फूल चुकी हैं, तो अब इसका सारा पानी अलग कर लेंगे। पानी ड्रेन करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक चम्मच से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल लें। दोस्तों, आप में से केवल 11% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, इसका सारा पानी निकल चुका है, तो अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय इसमें कुछ नहीं डालना है। सोयाबीन ग्राइंड कर लिया है, इसे हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम इसे साइड में रखते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। 2 टमाटर को रफली काट के लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है, 14-15 लहसुन के क्लॉव्स लिए हैं और 2 हरी मिर्च ली है। तो पहले हम लहसुन अदरक मिर्च को पीस लेंगे। आप चाहें तो टमाटर भी इसके साथ ही पीस सकते हैं, मैं इसे अलग ग्राइंड करूंगी। लहसुन अदरक मिर्च तैयार है, तो इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और टमाटर ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो सब्जी में टमाटर को बारीक कट करके भी यूज कर सकते हैं। टमाटर की प्यूरी तैयार है। सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। अब एक पैन को गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी के मेल्ट होने के बाद इसमें हम ये पिसी हुई सोयाबीन की बड़ियां डाल देंगे। अब बड़ियों को घी के साथ 1.5-2 मिनट तक भुनेंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है, इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैंने इसमें 1/2 कप दही ऐड किया है। दही ऐड करने से इसकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और इसका टेक्सचर भी क्रीमी हो जाएगा। 1.5-2 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम बर्तन से बाहर निकाल लेंगे और वापस बर्तन को गैस पे चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पैन में 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, वैसे ये सब्जी घी में बनाई जाती है। तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। सबको सौते करेंगे और अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे, इसका पेस्ट नहीं डालेंगे। तो ये 2 बड़ी प्याज है। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें 1 शिमला मिर्च को छोटे पीस में काट के डाला है और मैं ये लहसुन अदरक मिर्च डालना भूल गई थी, तो इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। वैसे लहसुन अदरक मिर्च को प्याज के साथ ही ऐड करें। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप फ्रोजन मटर डाला है, आप चाहें तो इसमें गाजर और बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। मटर जरूर डालें, मटर इसमें अच्छी लगती है। अब इन्हें 1.5-2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि इस सब्जी में टमाटर की प्यूरी ही यूज़ करें। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डालने के बाद इसे चला लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जीरा पाउडर भी डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से चलाएंगे और पैन को 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब अच्छे से पक चुके हैं। इसके टेक्सचर और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, पिसी मूंगफली। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून पिसी मूंगफली डाली है। मूंगफली को भुनने के बाद उसे पीस लें। वैसे मार्केट में जो सोया कीमा मिलता है उसमें ये नहीं डाला जाता है। काजू के पेस्ट की जगह मैंने इसे यूज़ किया है। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे और अब हम इसमें फ्राई की हुई सोयाबीन की बड़ियां डालेंगे।
इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसे 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए वेज सोया कीमा तैयार है। सोयाबीन बड़ियों को भुनते समय जो हमने इसमें दही ऐड किया था उसकी वजह से काफ़ी मॉइस्चर है, तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और हरी धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें बाजार की तरह अदरक के लच्छे और हरी मिर्च को लंबाई में काट के डाल देंगे और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, ये एकदम भी ड्राई नहीं है। तो चलिए लास्ट प्रोसेस में चलते हैं, इसका तड़का बनाते हैं। तड़के के लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी तड़के वाले बर्तन में डाल दिया है। घी के गर्म होने के बाद कुछ नहीं करेंगे, मतलब गैस बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च डालना है जो कि गर्म घी में जल जाएगी। गैस बंद करने के बाद 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। अब फटाफट तड़का लगा देंगे। ये वेज सोया कीमा तैयार है, इसे आप रोटी पराठा या पाव के साथ खा सकते हैं। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।